प्राप्त करने के लिए जो खेल खेला है उसकी कांग्रेस कड़े शब्दों में निंदा करती है, और देश की जनता इनका जो दोहरा चरित्र है, इनका जो दोगला का आमंत्रण दिया और अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार का गठन कराया, इससे ज्यादा कोई शर्मनाक बात इतिहास में हो नहीं सकती। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भगवत सिंह जी अध्यक्ष बालोतरा ब्लॉक से के पधारे और अपनी बात हमारे बीच में रखे श्रीमान भगवत सिंह जी ब्लॉक अध्यक्ष बालोतरा। महोदय प्रधानगण ब्लॉक अध्यक्षगण अलग अलग संस्थाओं रा अध्यक्षगण पार्षद महोदय सरपंच साहब पंचायत समिति सदस्य जिला परिषद सदस्य और समस्त कांग्रेस जन आज मारो पहला जो बात की नहीं कि कांग्रेस पार्टी रो और जनता दल यूनाइटेड रो और अन्ना गठबंधन हो अन्य जनतरों बहुमत है 117 सीटों रो कर्नाटक में सरकार बनावर होना अधिकार हो उन माते आप गंभीरता से ले और सभी के साथ न्याय करें। जिन्होंने कर्नाटक का परसेंटेज देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रतिशत कांग्रेस के मतों का हुआ है, भले सीटें कम आई मगर मतों का जो प्रतिशत है वो कांग्रेस का सबसे श्रेष्ठ है। उनके आधार पर भी उन बिंदुओं पर भी विचार करके न्यायपालिका न्याय करें से थी और इस परंपरा को इन्होंने खत्म करते हुए जिस प्रकार इन्होंने गठबंधन को 3-4 स्टेट के अंदर सरकार बढ़ाई, आज अगर ये बड़े दल की बात करते हैं तो बिहार के अंदर भी कांग्रेस पार्टी कड़े शब्दों में विरोध करती है और आज पूरे देश के अंदर उनके राज्यपाल ने जो लोकतंत्र की हत्या की है उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है, विरोध करती है। लोकतंत्र में हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही। कल 17/5 को जो लोकतंत्र की हत्या हुई कर्नाटका में, उसके खिलाफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में सभी जिला मुख्यालयों पर पार्टी इस लोकतांत्रिक कृत्य के खिलाफ धरना और प्रदर्शन कर रही है। उसके तहत आज जिला मुख्यालय पर हम सभी कांग्रेस जन, कल जो निर्णय हुआ है, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई है, लोकतंत्र की हत्या की गई है, उसके खिलाफ आज हम धरना दे रहे हैं, उसके बाद प्रदर्शन किया जाएगा।